सो हाय गाइज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ब्लॉग क्या होता है एंड ब्लॉग कैसे क्रिएट करते हैं। सो गाइज़, सबसे पहले जानते हैं कि ब्लॉग क्या होता है। सो गाइज़, ब्लॉग एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जिसमें आप अपने फ्री का वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं एंड अपना पोस्ट डाल सकते हैं। पोस्ट डालने के बाद आप उससे पैसे अर्न कर सकते हैं। सो गाइज़, आप जान गए हैं कि ब्लॉग क्या है। सो गाइज़, इसको और बारीकी से समझते हैं। सो गाइज़, यहाँ पर अपन लोग क्या करेंगे, गूगल ओपन करेंगे। सो वेट करेंगे। सो गाइज़, गूगल ओपन कर लेने के बाद अपन क्या करते हैं, अगर आप अपन को कुछ जानकारी चाहिए रहता है तो अपन उस पर सर्च करते हैं, जैसे WHAT, व्हाट इज़ IP एड्रेस। सो गाइज़, अगर हमें IP एड्रेस के बारे में जानना था तो हमने गूगल पे सर्च कर दिया कि IP एड्रेस क्या है। सो गाइज़, हमारे सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाता है जिसमें अपने को बताया जा रहा है कि IP एड्रेस क्या है। सो एक पर क्लिक करते हैं एंड यहाँ पर देखते हैं कि क्या लिखा गया है। सो गाइज़, यहाँ पर हमें IP एड्रेस के बारे में पूरा फुल जानकारी दिया गया है कि IP एड्रेस क्या है। यहाँ पर वीडियो भी मिल रहा है आपको, यदि अपना ये देख सकते हैं आप, अपना IP पता कैसे बदले और अपना स्थान कैसे छुपाएं, ये सब जानकारी आपको मिल जाता है गूगल में अगर आपको कोई जानकारी सर्च करना होता है तो। सो गाइज़, आपने कभी सोचा है कि ये गूगल पर आता कहाँ से है? सो गाइज़, आपको बता दूँ कि ये गूगल पर आता है हमारे जैसे लोगों से। सो गाइज़, गूगल ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जिससे आप अपना खुद का वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं एंड क्रिएट कर लेने के बाद आप अपने विचारों को शेयर कर सकते हैं, यानी कि अपना एक पोस्ट शेयर कर सकते हैं, अपना पोस्ट शेयर कर सकते हैं। सो गाइज़, वही होता है ब्लॉग। दोस्तों, गूगल पर जो है अपने कंटेंट शेयर करने का ये एकमात्र स्थान नहीं है। ये ब्लॉग जो है वो फ्री का है, फ्री में आप वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं एंड आप अपना पोस्ट शेयर कर सकते हैं, अपना कंटेंट शेयर कर सकते हैं। हालांकि अगर आप दूसरा जो है प्लेटफॉर्म यूज़ करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ पे करना पड़ता है या पे करने से आपका वेबसाइट अच्छा रहता है। सो गाइज़, अगर आप शुरुआत में फ्री का वेबसाइट बनाना चाहते हैं और फ्री में आप अर्न करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। सो गाइज़, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अपन जब कुछ सर्च करते हैं तो आपके सामने कुछ ये एड्रेस ओपन होता है, ये देख सकते हैं, ये वाला www.expressvpn.com। सो गाइज़, ये जो वेबसाइट हैं उसी में जो पोस्ट हैं वो शेयर किया गया है। सो गाइज़, ये वेबसाइट का URL है, यानी कि एड्रेस है। सो गाइज़, इसके बारे में भी जान लेते हैं क्योंकि आगे हमें इसका ज़रूरत पड़ने वाला है। सो गाइज़, ये क्या होता है, ये एक एड्रेस होता है गूगल में। सो गाइज़, अपन को इस पेज तक पहुंचने के लिए अपन ने पोस्ट पे सर्च करके पहुंचे इस पोस्ट पर, लेकिन गाइज़ गूगल इसे कैसे फिंड करता है, इसके माध्यम से फिंड करता है। सो गाइज़, अगर आप www.expressvpn.com लिखेंगे गूगल पर तो आप सीधे इस पेज पर पहुंच जाएंगे, आपको पोस्ट वगैरह सर्च करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि गाइस, गूगल पर बहुत सारे पोस्ट होते हैं, अगर आप पोस्ट वाइज किसी वेबसाइट को खोजना चाहें तो आप नहीं खोज पाएंगे, इसीलिए ये एड्रेस दिया जाता है ताकि अगर आपको उस वेबसाइट या पेज पर पहुंचना हो तो आप डायरेक्ट इस एड्रेस के माध्यम से पहुँच सकते हैं। सो गाइज़, ये क्या होता है, आपके घर की तरह एक एड्रेस होता है। जैसे गाइज़, अगर आपके घर पर किसी को आना है तो आपको उनको अपना एड्रेस देना पड़ेगा, पूरा का पूरा एड्रेस, जिससे वो पता करते हुए आपके घर तक आ सके। सो गाइज़, अब तो गूगल का ज़माना है, अब तो आसानी से पहुंच जाते हैं, लेकिन पहले नहीं होता था। सो गाइज़, उसी तरीके से क्या होता है कि आपके घर का जैसे एड्रेस होता है, ठीक उसी तरीके का ये भी एड्रेस होता है गूगल पर। क्योंकि गूगल पर बहुत सारे वेबसाइट हैं, बहुत सारे वेब पेजेस हैं, तो आपको गूगल पर अपने वेबसाइट, अपने वेब पेज तक पहुंचने के लिए कोई स्पेशल एड्रेस होना चाहिए ना। सो गाइज़, यही वो एड्रेस है। सो गाइज़, ये हमने जान लिया, अब चलते हैं अपन बैक। सो गाइज़, इसको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको जब हम ब्लॉग बनाना स्टार्ट करें तो समझ में आसानी से आ जाए ब्लॉग के बारे में, अगर आपका फर्स्ट टाइम है तो। सो गाइज़, यहाँ पर हम blogger.com सर्च करेंगे, मैंने पहले से यहाँ पर सर्च करके रखा है एंड यहाँ पर क्लिक करेंगे। सो गाइज़, blogger.com पर सर्च करते ही हमारे सामने कुछ
इस तरीके का पेज ओपन होगा। सो गाइस आपको बता दें कि हमारे जो ब्लॉग बनाने का प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है, और शुरू है हमारे blogger.com सर्च करने के साथ गूगल पे। सो गाइस हमने अपन को क्या करना है, ब्लॉग वेबसाइट अगर बनाना है तो गूगल ओपन करना है, एंड गूगल ओपन कर लेने के बाद जो है ये blogger.com सर्च कर लेना है। सर्च कर लेने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा, सो गाइस आप यहाँ पर अपना blogger.com पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। सो गाइस अपन चलिए क्लिक करते हैं। क्लिक कर लेने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का नया पेज ओपन होगा, जिसमें आप कहा जाएगा कि अपना ब्लॉग बनाएं या इंग्लिश में क्रिएट अ न्यू ब्लॉग। सो गाइस आपको यहां पर क्लिक करना है, एंड गाइस यहां पर आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है प्रवेश करें। सो गाइस अगर आपके पास पहले से कोई ब्लॉग वेबसाइट है जिस पर आप जाना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक करके जा सकते हैं। सो गाइस आपका तो फर्स्ट टाइम है, मेरे ख्याल से आई थिंक फर्स्ट टाइम होगा ये वीडियो देखने के बाद। सो गाइस आप यहां पर क्या करिए, अपना ब्लॉग बनाए पर क्लिक कीजिए। सो गाइस यहां पर अपन ने क्लिक कर दिया, एंड क्लिक कर लेने के बाद थोड़ी देर वेट करना है। सो गाइस अपना जो प्रोसेस है वो आगे जा रहा है, नेट थोड़ा स्लो है, सो प्लीज वेट एंड वॉच। सो गाइस अपना जो पेज है वो लोड हो रहा है, सो थोड़ी देर वेट कीजिए क्योंकि नेट बहुत स्लो है यार। सो गाइज हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो गए हैं। सो गाइज अगर आपके पास एक ईमेल है तो आपके सामने कुछ अलग पेज ओपन होगा, लेकिन अगर आपके आपके मोबाइल फ़ोन में 3-4 ईमेल है तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा। सो गाइज अगर आपके मोबाइल फ़ोन में 3-4 पेज इमेज हैं ईमेल हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज होगा। तो आप जिस भी ईमेल से अपना जो है ब्लॉग वेबसाइट, फ्री का ब्लॉग वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं उस पर क्लिक कर लेना है। सो गाइस मैं ये नीचे दिख रहा है आपको सपोर्ट मी इंडिया, ये इस पर फ्री का वेबसाइट क्रिएट करने वाला हूँ। सो गाइस इस पर क्या करेंगे, अपन क्लिक करेंगे। सो गाइस इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। सो गाइस क्लिक कर लेने के बाद थोड़ी देर वेट करेंगे, एंड वेट करने के बाद अपने सामने एक और जो है नया पेज ओपन हो चुका है। सो गाइस यहां पर अपन को टाइटल डालना है। सो गाइस टाइटल वो होता है जो हमने अभी आपको एक वेबसाइट दिखाया। सो गाइस नीचे में कुछ लिखा होता है टाइटल बड़ा सा, सो आपको दिखा देंगे थोड़ी देर के बाद। सो गाइस आपको अपने ब्लॉग का एक टाइटल लिखना है, जिस भी आप अगर कोई वेबसाइट बनाने जा रहे हैं तो उसका आपको टाइटल क्या रखना है। जैसे गाइस मैं आपको बता देता हूँ, मेरे दो वेबसाइट हैं, एक वेबसाइट है नॉलेज बुक का एंड एक वेबसाइट है हिंदी सब जानकारी का। सो गाइस मैंने क्या लिखा था यहाँ पर, एक मिनट थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं। सो गाइस यहाँ पर मैंने लिखा था हिंदी सब जानकारी। सो गाइस ये तो इसी तरीके से अभी अपन तो उसमें बना नहीं सकते, दो हैं पहले से। सो गाइस यहाँ पर अपन को एक यूनिक नाम लिखना पड़ेगा। सो यहाँ पर अपन यूनिक नेम लिख लेते हैं। सो यहाँ पर यूनिक नेम कौन सा लिखें, कुछ नाम नहीं सूझ रहा है। हाँ यहाँ पर हम लिख लेते हैं ऑल इन वन। सो गाइस यहाँ पर ऑल इन वन। सो गाइस ऑल इन वन लिखने के बाद अपन लोग नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। सो गाइस अगर आप अपना वेबसाइट क्रिएट करेंगे तो आप अपने वेबसाइट का जो नाम रखना चाहते हैं उसका टाइटल यहां पर देंगे, यानी कि वो नाम ही है जिसका टाइटल आपको यहां पर देना है। सो गाइस जैसे आपको कोई वेबसाइट बनाना है, मान लो आपको DAP। सो गाइज अगर आप DAP नाम से एक वेबसाइट बना रहे हैं तो उसका टाइटल आपको DAP यहां पर लिखना पड़ेगा। सो गाइज अपन अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमारा वीडियो लंबा होता जा रहा है। सो गाइज यहां पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, एंड गाइज नेक्स्ट पर क्लिक करते ही हमें एड्रेस का ऑप्शन आ गया। सो गाइज इसी एड्रेस के बारे में हम आपको पहले बता रहे थे कि ये एड्रेस क्या होता है। सो गाइज जैसे आपके वेबसाइट पे किसी को पहुंचना है तो आप अपना वेबसाइट बताएंगे कि www.ye.com है, wo.com, तो आपके वेबसाइट पर वो डायरेक्ट पहुंच जाएगा। अगर आप अपने पोस्ट बताएंगे कि मैंने ये लिखा है वो लिखा है अपने ब्लॉग पोस्ट में, आप गूगल में जाके देखिए, तो उसमें उनको पहुंचने में थोड़ा दिक्कत लगेगा क्योंकि जो आप ब्लॉग में वेबसाइट बनाते हैं या कहीं भी वेबसाइट बताते हैं वो धीरे धीरे से रैंक करता है और गूगल में मतलब सामने में शो करता है। लेकिन अगर आप एक
छोटे ब्लॉगर हैं, शुरुआत किए हैं और आप पोस्ट के ज़रिए अपने वेबसाइट तक पहुंचना चाहेंगे तो आप नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए आपको गूगल पे अपना सीधा ये एड्रेस सर्च करना है और वहां पहुंच जाना है। सो गाइस इसीलिए एड्रेस होता है। सो गाइस चलिए आपको अपना एड्रेस क्रिएट करना है, सो अपन यहाँ पर एड्रेस क्रिएट करेंगे। सो गाइस यहाँ पर हम एक एड्रेस क्रिएट करते हैं ऑल इन वन, क्योंकि गाइस हमारे जो ब्लॉग का नाम है वो ऑल इन वन है एंड एड्रेस भी वही होना चाहिए ऑल इन वन, तो ही तो अच्छा है ना, अगर एड्रेस दूसरा देंगे तो फिर क्या मतलब। सो गाइस यहाँ पर एक एरर आपके सामने ओपन होगा, सॉरी दिस ब्लॉग एड्रेस इज़ नॉट अवेलेबल। जब आप अपना एड्रेस लिखेंगे तो अगर गूगल पर वो एड्रेस पहले से ही होगा तो उसमें आपको कुछ चेंजेस करना पड़ेंगे। सो गाइस यहाँ पर मैं ऑल इन वन लिख चुका हूँ, सो इस पर अपना नाम ऐड करके देखता हूँ सूरज। सो गाइस अब देखते हैं क्या। सो गाइस दिस ब्लॉग एड्रेस इज़ अवेलेबल, यानी कि गाइस ये जो ब्लॉग एड्रेस हैं वो अवेलेबल हैं, यानी इस जो ब्लॉग एड्रेस हैं ये ब्लॉग एड्रेस, इस नाम पर कोई एड्रेस नहीं है अभी गूगल पे। सो गाइस जब आप अपना एड्रेस बनाएं ब्लॉग का तो इसी तरीके से कर लीजिए, अगर आपके सामने कुछ इस तरीके का एरर आए तो, जब तक अवेलेबल ना लिखा है इसी तरह। सो गाइस आप इसी तरह कर लीजिएगा एंड अब अपन को नेक्स्ट करना है। सो गाइस इस पर नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद आपको डिस्प्ले नेम लिखना पड़ेगा। सो गाइस यहाँ पर हम डिस्प्ले नेम कुछ भी लिख सकते हैं, सो आप भी अपना डिस्प्ले नेम लिख लेना, तो अब वही ऑल इन वन ही लिख लेते हैं, और क्या लिखेंगे, ऑल इन वन। सो गाइस ऑल इन वन लिखने के बाद अपन को यहाँ पर फिनिश का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करते हैं एंड फिनिश का ऑप्शन पर क्लिक कर लेने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। सो गाइस हमारा जो एक ब्यूटीफुल ब्लॉग है वो क्रिएट हो चुका है। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा वीडियो तो बहुत लंबा है, हालांकि क्योंकि हमने आपको बारीकी से समझाने की कोशिश की है, लेकिन हमारा जो ब्लॉग क्रिएट करने का जो समय है वो बहुत कम है, यानी कि अगर आप एक ब्लॉग क्रिएट करना चाहेंगे वीडियो देखने के बाद तो आप आसानी से ब्लॉग क्रिएट कर पाएंगे। सो गाइस ये जो ब्लॉग है वो क्रिएट हो चुका है। सो गाइस आने वाले पोस्ट में हम आपको बताएंगे कि ब्लॉग जो है उसमें पोस्ट कैसे लिखते हैं। सो गाइस अगर आपको ब्लॉगिंग से संबंधित पूरी जानकारी चाहिए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले वीडियोस में हम बताएंगे कि ब्लॉग में पोस्ट कैसे लिखते हैं, पोस्ट लिखने के बाद ब्लॉग से ब्लॉग को एडसेंस से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं एंड पैसे कैसे अर्न कर सकते हैं। सो गाइस ऐसा करते हैं कि हमारा वीडियो लंबा ज़रूर था, लेकिन अगर आपने अंत तक देखा होगा तो आपको अच्छा लगा होगा। एंड गाइस अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड सपोर्ट मी इंडिया प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।